हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया एसएमएम के में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि जो छात्रों का पेमेंट है वो 3 दिन के अंदर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कौन से ऐसे स्टेटस हैं जिनका जो पेमेंट है वो 3 दिन के अंदर आ जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों ने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है और आप लोग अपने यूपी स्कॉलरशिप के पेमेंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको स्टेटस के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि जो आपका पेमेंट है, अगर आपका स्टेटस हमारे वाले स्टेटस से मैच कर रहा है तो आपका जो पेमेंट है विद इन 3 डेज के बाद आ जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेटस दिखाऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप लोग आइडिया लगा सकेंगे कि जो आपका पेमेंट है वो कब तक आ जाएगा। और ये जो अपडेट है वो मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट की तरफ से 22 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि 22 दिसंबर 2022 को यूपी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कुछ अपडेट्स डेट्स आई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वो न्यूज़ देने वाला हूँ, वो अपडेट देने वाला हूँ कि जो आपका पेमेंट है वो कब तक आ जाएगा। ठीक है, प्लस किन छात्रों का पहले पेमेंट आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, आपको स्टेटस के अकॉर्डिंग प्लस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं। सो गाइज, देखिए यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, प्लस किन छात्रों का पेमेंट विद इन 3 डेज आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिंपली करना क्या है, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है sarkarijobfind.com। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है और आपको यहाँ पे चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग स्कॉलरशिप का प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड अदर देन इंटर का जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें डेट्स जो है वो साफ साफ दे रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लेटेस्ट न्यूज़ के नीचे देख सकते हैं, कॉलम चल रहा है, तो यहाँ पे हम 22 दिसंबर वाला जो नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली इस पर क्लिक करा और यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर जो हमारा नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है 22 दिसंबर वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डेट देख सकते हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए 12 दिसंबर को जारी किया गया था, यानी कि नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो 12 दिसंबर को आया था, मगर वेबसाइट पर ये 22 दिसंबर के अराउंड अपडेट हुआ था। ठीक है, तो जो डेट है वो 22 दिसंबर शो हो रही है पीडीएफ फाइल पर जो हमने डाउनलोड की है। अब यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपका वेरिफिकेशन हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, उसका जो पोर्टल था वो 10 मार्च को क्लोज हो गया था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग वो डेट भी देख सकते हैं, जनपदी छात्रवृत्ति समिति द्वारा संदेहास्पद अवशेष शुद्ध डेटा के संबंध में निर्णय लिया जाना, पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डेटा लॉक किया जाना 17 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक। ठीक है, ये 19 नंबर का पॉइंट है जो आपके लिए मतलब ये डेट निकल चुकी है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 20 नंबर का जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना, यानी कि जिन छात्रों का डेटा लॉक हुआ है, जिन छात्रों का डेटा फॉरवर्ड हुआ है एनआईसी लखनऊ, उनकी जो मांग है वो सृजित कराना, उसकी जो डेट है वो है 15 मार्च 2023 तक। ठीक है, यानी कि 15 मार्च 2023 तक जो मांग है वो सृजित कराई जाएगी। आज 12-13 हो चुकी है, 13 मार्च 13-14-15 3 दिन के अंदर ये मांग सृजित कराई जाएगी, जो डेटा है वो मंगाया जाएगा जिन छात्रों का डेटा वेरीफाई निकला है, और उसी के बेस पर 20 मार्च तक पेमेंट कर दिया जाएगा। तो जो आपका पेमेंट है वो 20 मार्च 2023 तक आ जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है तो जो आपका पेमेंट है वो आपका बिल्कुल आ जाएगा, मगर शर्त ये है कि जो आपका फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई होना चाहिए और एफिलेटिंग एजेंसी से भी आपका वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको वो स्टेटस भी दिखा देता हूं। सो गाइज, अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह का शो हो रहा है, यानी कि वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी प्लस आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाइड है एफिलेटिंग एजेंसी से, तो जो आपका पेमेंट है वो 20 मार्च तक आ जाएगा, बस बजट का इश्यू नहीं होना चाहिए। तो इस स्टेटस से आप लोग अपना स्टेटस मैच कर सकते हैं। सो गाइज, चलिए चलते हैं अब कैमरे की तरफ।
सो गाइज आप लोगों ने चेक कर लिया, अगर आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड हो चुका है प्लस आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट है एंड वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है प्लस आपका एफिलिएटिंग एजेंसी से भी स्थापित है वो भी आपका कंप्लीट है, तो जो आपका पेमेंट है वो 16 मार्च से आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेट्स दे रही हैं वो 16 मार्च है, यानी कि 15 मार्च तक जो मांग है वो सुरजित कराई जाएगी, उसके बाद 16 मार्च से पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 20 मार्च तक सभी छात्रों को पेमेंट कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, वो ये 20 मार्च तक जो डेट है वो दे रखी है मगर जो पेमेंट है आपका वो 28-29 मार्च तक आता है। जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर की जो डेट होती है वो 31 मार्च रहती है, तो 31 मार्च से पहले पहले सभी छात्रों को पेमेंट कर दिया जाएगा जितनी भी ट्रांजेक्शन होनी होंगी। 31 मार्च के बाद ट्रांजेक्शन नहीं होंगी, 31 मार्च के बाद सिर्फ उन्हीं छात्रों का पैसा आएगा जिनका पेमेंट पहले से प्रोसेसिंग में होगा, ठीक है। यानी कि जो 16 मार्च से मैं आपको डेट बता रहा हूँ वो वाली डेट है जिसमें आपका अमाउंट PFMS पर शो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और PFMS पर शो होने के बाद 15 से 20 दिन लग जाते हैं, 1 से 1.5 हफ्ता भी लग जाता है या 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है प्लस आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी भी है, तो जो आपका पेमेंट है वो 16 मार्च से आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।